नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों के लिए एक और एक्सक्लूसिव सीपीयू इंफॉर्मेशन लेके आ चुका हूँ। और हर बार की तरह ये भी पूरे यूट्यूब के अंदर प्रोबेबली मेरे तरफ से सबसे पहला होगा, तो इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, जिससे कि एटलीस्ट यूट्यूब एल्गोरिथम को मालूम चले कि ऐसा वीडियो मैं सबसे पहले प्रोवाइड करता हूँ। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले डायमेंसिटी 9200 प्लस के बारे में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ महीने पहले इंडिया पे या फिर वर्ल्ड वाइड जो लॉन्च होने वाला है आईको नियो 8 प्रो या फिर आईको नियो 8 सीरीज, उसके अंदर ये जो प्रोसेसर सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो में आपको इस डायमेंसिटी 9200 प्लस के बारे में ए टू जेड सभी स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, इंक्लूडिंग एग्जैक्ट एंटूटू स्कोर और गीगबेंच स्कोर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजुअल चैनल पर नए हैं और ऐसी सीपीयू रिलेटेड वीडियो हर बार सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो गैजुअल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबा देना, जिससे कि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन हर बार आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो बात करेंगे इस प्रोसेसर के ऑफिशियल नेम के बारे में, जो कि होगा डायमेंसिटी 9200 प्लस। ये जो प्रोसेसर लास्ट बार की जैसा ही 4nm प्लस आर्किटेक्चर पे बना होगा, जो कि होगा TSMC ब्रांड की तरफ से। मतलब ये जो आर्किटेक्चर वो एक्चुअली सेकंड जनरेशन 4nm आर्किटेक्चर होगा। अगर कोर काउंट के बारे में बात करें तो लास्ट बार के जैसे इसमें आपको 1+3+4 मतलब टोटल 8 कोर में आपको मिलेगा। उसके अंदर एक प्राइम कोर होगा जो कि कोर्टेक्स X3 कोर, उसका स्पीड होगा 3.35 GHz। मतलब जितना मुझे लग रहा है शायद स्मार्टफोन वर्ल्ड में ये जो प्रोसेसर अभी के टाइम में सबसे ज्यादा गीगाहर्ट्ज मतलब स्पीड प्रोड्यूस करेगा। उसके साथ 3 कोर्टेक्स A715 कोर जिसका स्पीड होगा 3.0 GHz, और उसके साथ 4 पावरबेंच सीरीज का कोर्टेक्स A510 कोर, उसका स्पीड होगा 2.0 GHz। मतलब ये चीज कह सकते हैं कि लास्ट बार जो डायमेंसिटी 9200 लॉन्च हुआ था उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड अपग्रेड आपको मिलेगा इस नए वाले सीपीयू पे। अगर हम इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो इसमें आपको क्वाड चैनल LPDDR5X का रैम का सपोर्ट मिलेगा, जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा 4266 MHz, और इसका जो मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ वो है 68.2 GBPS। और अगर स्टोरेज की बारे में बात करें तो इसमें आपको eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 4.0 तक का स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम इसके डिस्प्ले की बारे में बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम क्वाड HD प्लस का डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट होगा 144Hz। और अगर हम फुल HD प्लस डिस्प्ले इस्तेमाल करेंगे तो हमें मिलेगा मैक्सिमम 240Hz तक का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट, और इसका मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक क्वालिटी है 8K तक का। अगर हम इसके कैमरे के बारे में बात करें तो इसमें भी आपको लास्ट बार के जैसा ट्रिपल ISP वाला ऑप्शन मिलेगा, जिसका सिंगल कैमरा में मैक्सिमम सपोर्ट होगा 320 MP तक। ये जो प्रोसेसर 8K वीडियो 30fps, 4K वीडियो 60fps और फुल HD वीडियो 120fps पे रिकॉर्डिंग कर पाएगा। मतलब ये जो प्रोसेसर कैमरा ISP के मामले में एग्जैक्टली लास्ट बार के एडिशन के जैसा ही होगा। अगर हम इसके नेटवर्क की में बात करते हैं, इसमें आपको सब 6 GHz 5G, MMOF 5G, Wi-Fi जेनरेशन 7, ट्राइबैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.3 और नेविक सपोर्ट। मतलब मॉडर्न जेनरेशन के दूसरे फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर जो भी आपको स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेगा एग्जैक्टली सेम चीज इसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ग्राफिक्स कार्ड। तो इस बार भी आपको लास्ट बार के एडिशन के जैसा इमोटलिस G715 MC11 वाला ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा, जो कि 981 MHz स्पीड पे रन कर रहा है। अभी ये जो प्रोसेसर, अगर हम इसके गीगबेंच स्कोर की बारे में बात करें, इधर एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि अभी करेंटली जो भी फ्लैगशिप प्रोसेसर है उसके स्कोर को मैंने एक साथ मेंशन किया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए कि इस बार का ये जो प्रोसेसर बाकी के मुकाबले कितना ज्यादा पावरफुल है। तो ये जो डायमेंसिटी 9200 प्लस, इसका सिंगल कोर में स्कोर है 2000 से थोड़ा सा ज्यादा और मल्टी कोर में स्कोर है 5200 से थोड़ा सा ज्यादा। और ये जो मैं स्कोर दिखा रहा हूँ एक्चुअली गीगबेंच वर्जन 6 का स्कोर है और फोन का नाम है आईको न्यू 8 प्रो। और अगर हम इसका जो कंपैरिजन वो लास्ट बार के डायमेंसिटी 9200 के साथ करते तो उसका सिंगल कोर में स्कोर था 1700 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर था 4400 के आसपास। तो मतलब मल्टी कोर के मामले में आपको एक मेजर डिफरेंस मिलेगा और सिंगल कोर के मामले में भी ऑलमोस्ट 300 का डिफरेंस आपको मिलेगा। और सीपी वर्ल्ड में सिंगल कोर में 300 का डिफरेंस मतलब रियल वर्ल्ड यूसेज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। और अगर हम स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 के बारे में बात करें, उसका सिंगल कोर में स्कोर था 1860 के आसपास और मल्टी कोर में स्कोर था 4900 के आसपास। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एंड्रॉइड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है ये जो डायमेंसिटी 9200 प्लस अभी के लिए। और नेक्स्ट अगर हम इसके एंटूटू स्कोर की बारे में बात करें तो ये जो आप स्कोर देख रहे हैं ये एक्चुअली आईको न्यू 8 प्रो का ऑफिशियल स्कोर है। तो इसका एंटूटू स्कोर है 13,68,000 के आसपास। अगर हम इसके स्कोर को डायमेंसिटी 9200 के साथ
कंपेयर करते तो उसका स्कोर था 12,66,000 के आसपास, मतलब 100,000 कम स्कोर आपको मिला था। और जो स्नैपड्रैगन जनरेशन 2 उसका स्कोर था 12,70,000, मतलब वही सेम 100,000 का डिफरेंस आपको मिला था। तो यही है डायमेंसिटी 9200 प्लस के बारे में ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन। और हाँ, एक और चीज, ये जो प्रोसेसर है लॉन्च होगा 9th मई, मतलब अगले महीने। तो मतलब जितना मुझे लग रहा है शायद अगले महीने स्टार्टिंग पे आईको न्यू 8 प्रो भी ऑफिशियली लॉन्च हो जाएगा। तो मतलब देखिए, वीडियो का अगर मैं ये चीज कहना चाहूंगा, डायमेंसिटी 9200 के मुकाबले ये जो 9200 प्लस, इसमें सीपीयू में आपको स्लाइटली बूस्ट मिलेगा, प्रोबेबली ग्राफिक्स कार्ड ऑलमोस्ट सेम ही है, बाकी सब मामले में भी ऑलमोस्ट सेम चीज है। लेकिन क्योंकि सीपीयू के मामले में आपको बूस्ट मिल रहा है, तो इसीलिए पहली बात तो इसके एंटूटू के मामले में 100,000 का डिफरेंस आपको मिल रहा है, सिंगल कोर में लास्ट बार के मुकाबले 300 का डिफरेंस, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट 800 का डिफरेंस आपको मिलेगा, जो कि रियल वर्ल्ड यूसेज में काफी ज्यादा है। तो अभी आप मुझे कॉन्फिडेंस जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या इस बार डायमेंसिटी 9200 प्लस या फिर डायमेंसिटी 9300 जो अपकमिंग स्नैपड्रैगन जनरेशन 3 इसे बीट कर पाएगा या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे जो कॉन्फिडेंस कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।